गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है टीचिंग। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की, शिक्षण की अवधारणा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की, इसके कि इसका अर्थ क्या है। टीचिंग डिराइव फ्रॉम द वर्ड, या टीचिंग इज डिराइव फ्रॉम टू टीच विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट। जो शिक्षण है वो किससे निकला है, टीच से, मीन्स शिक्षित करना किसी को, या विच मीन्स टू इंस्ट्रक्ट, किसी को निर्देशन देना। प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है इन विच वन इंडिविजुअल मेक्स समथिंग नोन टू अनदर इंडिविजुअल। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है वो किसी दूसरे इंडिविजुअल को क्या करता है, किसी चीज़ से अवगत करवाता है। टीचिंग इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू जॉन एडम। तो जो अकॉर्डिंग टू जॉन एडम है वो क्या बोलते हैं कि टीचर जो है वो बाईपोलर प्रोसेस है, ये मतलब दो पोल वाली प्रोसेस है। तो ये है इसका नैरोअर मीनिंग। तो इसमें जो बाईपोलर में जो दो पोल्स होंगे, एक होगा टीचर, एक होगा स्टूडेंट। फिर आता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर मीनिंग, टीचिंग इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। तो टीचर क्या है, टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। तो इसमें एक पोल आ गया टीचर, एक पोल आ गया स्टूडेंट, एंड द थर्ड वन इज़ करिकुलम और सोसाइटी, और बोल सकते हैं आप लर्निंग एनवायरनमेंट। तो कंसेप्ट क्या है, इसकी अवधारणा क्या है। टीचिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षण है वो शैक्षिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। इट्स स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। इसका जो मेन जो कार्य है, मेन जो फंक्शन है वो क्या है, नॉलेज को इम्पार्ट करना, मीन्स ज्ञान प्रदान करना, और बच्चों में अंडरस्टैंडिंग और स्किल को डेवलप करना, जो उनकी समझ है और जो उनकी स्किल्स हैं उनको डेवलप करना। टीचिंग इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जो टीचिंग है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है दो और दो से ज़्यादा पर्सन में, हु इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय देयर आइडियाज़ एंड लर्न समथिंग इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। वो जो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक अपने आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस करते हैं, और इस प्रोसेस में वो, इस इंटरेक्शन में वो कुछ सीखते हैं। टीचिंग इज़ द प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर, करिकुलम एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। टीचिंग एक, या शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लर्नर हैं, जो टीचर हैं, जो करिकुलम है, उनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि जो भी हमारे प्री डिटरमाइंड, जो पहले से निर्धारित लक्ष्य जो है या उद्देश्य हैं, उनको, उनकी प्राप्ति की जा सके। टीचिंग इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। जो शिक्षण है वो उन सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित करती हैं जिससे कि दूसरों को शिक्षा दी जाए। अब आता है थ्रू टीचिंग द टीचर एम्स एट। शिक्षण की सहायता से जो शिक्षक है वो क्या उद्देश्य लेके चलता है कि क्या होना चाहिए। इट गिव्स, या गिविंग सम नॉलेज टू स्टूडेंट, छात्रों को कुछ ज्ञान प्रदान करना, पासिंग सम इंफॉर्मेशन टू देम, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रदान करना या उनको कुछ सूचनाएँ पास करना, मेकिंग द स्टूडेंट एक्वायर सम स्किल, और बच्चों को स्किल एक्वायर करने के काबिल बनाना, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, और जो अधिगम करता है उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना, मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो छात्र है उनका, उनके व्यवहार को मॉडिफाई करना, गिविंग सम एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ एटसेट्रा, और जो लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसिस हैं उनको भी बच्चों को देना। अब इसकी डेफिनेशन आ गई एच सी मॉरिसन क्या बोलते हैं। टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी वन, या और लेस मैच्योर वन, विच इज़ डिज़ाइंड टू द फर्दर एजुकेशन ऑफ द लेटर। क्या है, शिक्षण एक बोल सकते हो आप कि इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, मीन्स इंटीमेट का मतलब इमीडिएट भी बोल सकते हो, या फिर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है बिटवीन अ लेस मैच्योर पर्सनैलिटी और मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, मीन्स इसमें मोर मैच्योर पर्सनैलिटी टीचर हो गए और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी स्टूडेंट हो गए, जिससे कि क्या है, एक जो एजुकेशन सिस्टम को एक डिज़ाइन दिया जाता है। और उसके बाद आता है बी डी स्मिथ के अकॉर्डिंग, टीचिंग इज़ अ सिस्टमैटिक या सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। जो शिक्षण है एक वो क्या है, सिस्टमैटिक या सिस्टम ऑफ एक्शन है, एक्शंस का एक सिस्टम है जिससे कि लर्निंग को पैदा किया जा सके, जो विच इंटेंडेड टू इंड्यूस द लर्निंग, जिससे अधिगम संभव हो सकता है। अब आता है अल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज़ टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। जो सुप्रीम आर्ट है टीचिंग का वो क्या है कि जॉय को
बच्चों में जो एक जॉयफुल जो नेचर होता है या जॉयफुल जो एक्ट होता है बच्चों में, उसको अवेक करना, और क्रिएटिव एक्सप्रेशन और जो नॉलेज, उनके जो जितनी भी क्रिएटिविटी बच्चों में होती है उसको बाहर लाना और उनमें उनको ज्ञान प्रदान करना। अब आती है इसकी करैक्टरिस्टिक्स कि जो शिक्षण है उसकी विशेषताएं क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, जो शिक्षण है वो इंटरैक्टिव प्रोसेस है। इंटरैक्टिव प्रोसेस का मतलब कि जो अध्यापक है वो बच्चों को पढ़ाएगा, तो मीन्स वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेगा। टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, जो टीचिंग है वो औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। मीन्स फॉर्मली मीन्स स्कूल कॉलेज एक्सेट्रा, और इनफॉर्मल मतलब ओपन लर्निंग जो हम बोल सकते हैं। टीचिंग इज आर्ट क्राफ्ट एज वेल एज साइंस, तो जो शिक्षण है वो कला भी है और साइंस एक विज्ञान भी है। टीचिंग इज़ नॉट वन साइडेड, और जो शिक्षण है वो एक तरफा नहीं होता है। टीचिंग इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, और जो शिक्षण है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है। टीचिंग इज़ प्लान्ड एक्टिविटी, और जो शिक्षण है वो एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है। टीचिंग इज़ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, जो शिक्षण है वो निदानात्मक भी है और उपचारात्मक भी है। मीन्स इसमें किसी समस्या का निदान भी किया जाता है और उसका उपचार भी किया जाता है। टीचिंग इज़ डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, और जो टीचिंग है वो शिक्षण जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा डोमिनेटेड होती है। गुड टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक, और जो अच्छी शिक्षा या अच्छा शिक्षण है वो डेमोक्रेटिक होता है। मीन्स इसमें दोनों पक्षों को बराबर टाइम या पार्टिसिपेशन मिलती है। टीचिंग कॉजेज मोटिवेशन, और जो टीचिंग है वो मोटिवेशन मींस किसी को अभिप्रेरित करती है सीखने के लिए। टीचिंग इज़ प्रोफेशनल करेक्टर, और जो टीचिंग है वो एज अ प्रोफेशन है इन द करेक्टर। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग, कि इसके कार्य क्या है, शिक्षण के कार्य क्या क्या है। पहला है डायग्नोस्टिक, दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव, तीसरा है इवेल्युएटिव। डायग्नोस्टिक मतलब नैदानिक आप भी बोल सकते हो या निदानात्मक भी बोल सकते हो। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब योजना के अनुसार हम बोल सकते हैं या नियमानुसार बोल सकते हैं। इवेल्युएटिव मतलब मूल्यांकन करने वाला भी है शिक्षण। तो डायग्नोस्टिक में क्या आया कि इसमें डायग्नोस्टिक का मतलब कि हम निदान किस तरह से करेंगे कि कोई बच्चे की समस्या है, तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं। एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चा जो क्लास में एंटर जब होता है तो उसको क्या नॉलेज है या वो किस उससे एंटर हुआ है, कि उसको कुछ प्रीवियस नॉलेज है या नहीं है। इनिशियल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट, और हम उसके इनिशियल पोटेंशियल को भी देखते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कंटेंट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड एनवायरनमेंट, जो कंटेंट है और जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है और जो वातावरण है जो इसमें हम पढ़ाएंगे वो सही है या नहीं है। इस ओन पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़, और जो शिक्षक है उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है और पोटेंशियल्स क्या है। फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव मींस नियमानुसार, सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले अप्रोप्रिएट कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और उनको ऑर्गेनाइज करेंगे इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मींस कि हमें क्या पहले पढ़ाना है, किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम एग्जांपल बाद में दें कि कंटेंट पहले पढ़ाएं, तो इस तरह से हम उसको पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखेंगे। सेलेक्टिंग प्रॉपर टीचिंग टेक्निक्स स्ट्रेटजीज एंड फीडबैक डिवाइसेस, और जो हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं, जो शिक्षण सामग्री आप बोल सकते हैं या शिक्षण जो गतिविधियाँ हैं हमारी, वो किस तरह से होंगी, उनको प्रॉपरली सेलेक्ट करना है। हमें क्या पहले पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, और किस तरह से हम फीडबैक दे सकते हैं, और फीडबैक डिवाइसेस क्या होंगे। इन द व्यू ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, तो जो फीडबैक डिवाइसेस होंगे वो किस तरह से होंगे, कि जो स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस होगा उनको ध्यान में रखते हुए। एंड सीकिंग एसेंशियल कोऑपरेशन फ्रॉम द स्टूडेंट फॉर अ पर्पजफुल इंटरेक्शन, और पर्पजफुल इंटरेक्शन के लिए हम क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोऑपरेशन भी देखेंगे। फिर आता है इवेल्युएटिव, जो हमारा आ गया कि मूल्यांकन करने वाला। रियलाइजेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड ऑब्जेक्टिव, जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं उनकी रियलाइजेशन। वेरियस इवेल्युएशन डिवाइसेस इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, रेटिंग स्केल्स, इन्वेंटरीज एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर हेल्प इन एक्सरसाइजिंग इवेल्युएटिंग फंक्शंस। तो जो भी वेरियस टेक्निक्स होती हैं हमारी इवेल्युएशन की, जैसे टेस्ट भी हो सकता है, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं हम किसी को, रेटिंग स्केल दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, या कुछ और भी है, तो उनको हम देखेंगे। फेलियर इन द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज एसेंशियली अ फेलियर इन द प्रस्पेक्टिव और डायग्नोस्टिक फंक्शन, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होते हैं तो वो भी क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक फंक्शन में भी वो फेलियर होंगे। स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव, और स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए।
द अदर जर्नल फंक्शन ऑफ टीचिंग आर, और जो कुछ जर्नल फंक्शन हैं टीचिंग के वो क्या क्या हैं, इट क्रिएट लर्निंग सिचुएशंस, ये लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है, मोटिवेटिंग द चाइल्ड टू लर्न, और जो चाइल्ड है या स्टूडेंट है उसको मोटिवेट करता है सीखने के लिए, डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम, और जो भी अधिगम की समस्या है उनको डायग्नोज करते हैं, मेकिंग करिकुलर मटीरियल, और जो भी करिकुलर मटीरियल है उसको बनाने में हेल्पफुल होता है, एक्सप्लेन एंड इन्फॉर्म, और ये किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में और इन्फॉर्म करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है, इनिशिएशन डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसी चीज़ को इनिशिएट करता है, मीन्स शुरुआत करता है किसी चीज़ की, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और उसको एडमिनिस्टर करता है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई लेक्चर. So stay safe and stay at your home.